आपने प्रश्न किया कि महागठबंधन के उम्मीदवार अर्चना जी यहाँ की बेटी कहती हैं, बेटी को ससुराल जाना चाहिए। बेटी भारतीय परंपरा में बेटी ससुराल चली जाती है। जमुई में 10 लोगों से भी संपर्क नहीं बना पाया होगा, सिर्फ हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। जमुई लोकसभा से इस बार चिराग पासवान ने अपने भनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। अरुण भारती इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। पहले जो चिराग पासवान चुनाव लड़ते थे तो उनकी चुनावी बागडोर उनके हाथ में होती थी, लेकिन इस बार खुद चिराग पासवान ने अरुण भारती को मैदान में उतारा है। लेकिन इसको लेकर महागठबंधन जो एनडीए गठबंधन है और इस एनडीए गठबंधन के नेताओं में क्या कहना है और क्या लगता है कि इस बार अरुण भारती जमुई की जंग जीतेंगे, कुछ लोग हैं उनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार अरुण भारती को मैदान में उतारा गया है, चिराग पासवान खुद नहीं? देखिए, पूरी जमुई लोकसभा की जनता, आप लोग देख सकते हैं चिलचिलाती धूप में कैसे लोग धूप में खड़े होकर अपने नेता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। और हम लोगों ने पूरे जमुई, हम लोगों का जो टीम है, जो लोजपा का जो एनडीए गठबंधन है, हम लोगों ने नारा दिया है कि अब की बार 5 लाख पार, और हम लोग उस नारे पर कायम है। आज भी आप लोग देख सकते हैं पूरी ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पर उपस्थित हुई है, सारे कार्यकर्ता जोश जुनून से भरे हुए हैं। जिस तरीके से 2 बार हम लोगों ने आदरणीय चिराग पासवान जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर और आशीर्वाद देकर भेजने का काम किया है, और इस बार हम लोग अरुण भारती जी को भारी बहुमत से 5 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव जिताकर हम लोग भेजने का काम करेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। ये बताइए कि अर्चना रविदास जो यहाँ आरजेडी की कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि हम बेटी हैं और बेटी का हक ज़्यादा होता है, तो बेटी और बहनोई में सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। इतिहास उठा के देखिए कि आज तक आरजेडी हमारे यहाँ नहीं आया। पिछले 2 टर्म से माननीय सांसद चिराग पासवान जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और जमुई में रिकॉर्ड तोड़ मतों से उनको जो है यहाँ से जमुई लोकसभा से जिता के हम लोगों ने दिल्ली भेजने का काम किया। इस बार एनडीए गठबंधन से माननीय सांसद चिराग पासवान जी जो है वो अपने जीजाजी अरुण भारती जी को यहाँ उम्मीदवार के रूप में उतारे हैं और जनता यह मन बना लिया है कि जमुई लोकसभा से अरुण भारती जी को रिकॉर्ड तोड़ 5 लाख मतों से पार करके यहाँ से पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। आरजेडी ने बड़ा समीकरण बैठाते हुए अर्चना रविदास को टिकट दिया, क्या उनका समीकरण यहाँ फेल होगा? 100% अर्चना रविदास का जो समीकरण है महागठबंधन का, बिल्कुल वो फेल हो चुका है। और माननीय सांसद चिराग पासवान जी एक विकास का लंबा लकीर खींचे हैं, उसी कड़ी को बढ़ाने के लिए अरुण जी आए हैं। निश्चित रूप से वो कहे थे, माननीय सांसद चिराग पासवान जी कहे थे कि यहाँ 2-2 सांसद मिलेगा और अरुण भारती के रूप में वो दूसरा सांसद जम्मू की जनता ने चुन लिया है। क्या लग रहा है, क्या हो गया? जीत तो तय है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आपने प्रश्न किया कि महागठबंधन के उम्मीदवार अर्चना जी यहाँ की बेटी कहती हैं, बेटी को ससुराल जाना चाहिए। बेटी भारतीय परंपरा में बेटी ससुराल चली जाती है, और जब बेटी होकर के वो हक चाह रही हैं तो बहनोई हैं हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, वो आए हैं, पहले भी सक्रिय रहे हैं यहाँ चुनाव में, और जमुई की जनता मन बना लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट को, माने उनके कार्यकलाप को देखते हुए, नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप को देखते हुए जो जनहित में काम हुए हैं बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, सभी जात सभी धर्म के लोग धर्म मजहब से ऊपर उठ करके यहाँ रिकॉर्ड मतों से इनको चुनाव जिता करके 5 लाख से अधिक मतों से भेजेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लग रहा था देख लीजिएगा 19 के बाद जीत जाएगा एकदम चिराग पासवान के, कोई अरुण भारती जी का कोई रोकने वाले नहीं है धरती पर जमुई जिला से। क्या लगता है? बिल्कुल जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हमारे जो माननीय सांसद जी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जमुई का विकास किए हैं 10 वर्षों में, आज चिलचिलाती धूपों में भी लाखों की संख्या में समर्थक आए हैं और पूरे उत्साह है जमुई लोकसभा क्षेत्र में, और अब की बार 400 पार रहेगा और लाखों मतों से हमारे आदरणीय अरुण भारती जीतेंगे। और सांसद जी ने कहे थे कि हम बेटा बन के आए हैं और बुजुर्ग होके यहीं से जाएंगे और बहुत ही वोटों से जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है, चिराग पासवान ने दिया है, तो पलड़ा किसका भारी रहा है? देश के जन जन के नेता, गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा,
भावी बिहार के इतिहास लिखने वाले आदरणीय चिराग पासवान जी जो जम्मू में विकास के जो लकीर खींचे हैं, 2014 में पिछड़ेपन के पैरामीटर पे जम्मू 99 नंबर पे था और 14 का जो रिपोर्ट आया नीति आयोग का, उसमें देश के सबसे डेवलपमेंट के पैरामीटर पे नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें तीसरे नंबर पे जम्मू का नाम आया। और इस बार जो 24 में जो सर्वे हुआ उस सर्वे में देश में सबसे पहला स्थान जम्मू जिले का नीति आयोग का रिपोर्ट जो आया उसमें आया है कि डेवलपमेंट के पैरामीटर पे जो चिराग पासवान जी काम यहाँ किए हैं, जो मेहनत किए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए, केंद्रीय विद्यालय, रेलवे लाइन यहाँ झाझा सोनोबटिया होते हुए FCI का डिविजनल कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय, जो डेवलपमेंट वो किए हैं उस डेवलपमेंट का मजदूरी सिर्फ अरुण पासवान जी को अगर मिल जाए तो जीत तो पक्की ही नहीं, एक ऐतिहासिक जीत की ओर जम्मू का मतदाता मन बना लिए हैं। कैसी जीत होगी इस बार? बहुत तागड़ा जीत होगा सर, और रिकॉर्ड मतों से जीत होगा। और सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का जोड़ है कि इस बार 5 लाख के पार निश्चित जीत होगी। आज जो जम्मू की जो लड़ाई है वो बेटी और बहनोई पे हो रही है, और साथ में इनका कहना है कि बेटी का स्थिति मजबूत रहेगा और बेटी यहाँ से जीतेगी, बहनोई को किला पिलाकर इज्जत सत्कार से यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये था जमुई का हाल। क्या मैं सभी साथ अमिताभ ऊझा, जमुई News 24। कैसा रहेगा चुनाव? यहाँ लड़ाई दो चीज़ में, हम मतलब हम JP जी के फॉलोअर्स हैं, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई दो चीज़ों पर हो रही है। एक, संविधान मिटाने की बात चल रही है, बदलने की बात चल रही है। दूसरे लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। मैं संविधान रक्षकों के साथ हूँ। मैं जयप्रकाश का अनुयायी हूँ। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश जी ने उसी गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में कहा था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। आज वो हालात वही पैदा कर दिए गए हैं। इसलिए आज सब मतभेद मिटाकर यह तय करना होगा कि गांधी के चाहने वाले इस देश में रहेंगे या गोडसे के चाहने वाले रहेंगे। लड़ाई इसी दोनों के पीछे है। जम्मू में भी यही मुद्दा रहेगा? यही मुद्दा रहेगा, चुनाव का यही मुद्दा होगा कि गोडसे को चाहने वाले रहेंगे या गांधी को चाहने वाले रहेंगे। राजद से लेकर महागठबंधन के जितने लोग हैं वो तमाम लोग गांधी के चाहने वाले हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है इस बार क्या लड़ेगा? मतदान तो भूमिहीन भी कर सकता है, लैंड मास्टर भी कर सकता है, पढ़े लिखे भी, मुल्के का वोट देने का सबको अधिकार है। मैं भी अपना इच्छा के अनुसार जो है ना अर्चना रविदास को मत डालूंगा, इसलिए कि हमारी अपनी भी आदमी है, बेटी है, जिला का और सहयोग है, और हमारे जमुई जिला के रहने वाली है, इसलिए अपनी इच्छा के मुताबिक मत डालूंगा। ये तो अपना, आप बताइए क्या ये बार बेटी है बहनोई का लड़ाई है यहाँ पे जमुई? इस बार देखिए जो जमुई की बेटी है अर्चना कुमारी रविदास, वो यहाँ से हम लोग फुल बहुमत से जिताकर भेजने का काम करेंगे, और जमुई को जो 10 सालों से जो लूटने का काम किया था उसको इस बार जमानत जब्त करा देंगे। आपने तो देख लिया कि हमसे तो होगा नहीं, तो परिवार वाले को अपनी जीजा को ला दिया है, परिवारेवाद चलेगा क्या? तो इस बार हम लोग यहाँ से तय कर लिए हैं, यहाँ से उसको पूरी तरह से खदड़ने का काम करेंगे। और अर्चना रविदास जी हमारी घर की बेटी है, पढ़ी लिखी बेटी है, सभी हर क्षेत्र में जाकर हर एक घर में जाकर घूमते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। हम लोग को लगता है कि ये अपनापन है, ये जीतेगी तो हमारी बात को सुनेगी, और सुनेगी तो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ को उठाएगी तो जमुई का विकास होगा। इस बार बाहरी बनाम जमुई का स्थानीय का चुनाव का मुद्दा रहेगा। हम लोग बाहरी कैंडिडेट पिछले 10 साल से देख रहे हैं ना, वो हम लोगों के बीच कभी रहते हैं, आते हैं कभी कभार, आए हवाई जहाज से हाथ घुमा, आज भी हवाई जहाज से ही आए, आज भी वो पैदल नहीं आए, बाय रोड नहीं आए, हवाई जहाज से उतरे, नॉमिनेशन दाखिल कराए अपने जीजा जी का और फिर हवाई जहाज से उड़ गए। तो हम लोग इस बार हवा उड़न खटोला वाला प्रत्याशी नहीं चाहते, हम लोग जमुई की बेटी को जिताएंगे, यहाँ के स्थानीय बेटी को जिताएंगे, यही मुद्दा है। क्या लगता है? बस हम लोग का यही मुद्दा है कि जब वही बाहरी और घर की लड़ाई है, बेटी और दामाद की लड़ाई है, बेटी रहेगी और दामाद जाएगा, इस पर फिक्स है। और तेजस्वी यादव को हम लोग मजबूत करेंगे, दिल्ली भेजना है, और तेजस्वी यादव को स्थानीय चाहिए, स्थानीय चाहिए, बाहरी एकदम नहीं चाहिए, बाहरी आकर के कुछ नहीं किया। आज 10 साल का मौका दिए इसको,
उसमें भी अभी नहीं आए वो, उसके बाद 10 साल पूरी हो गया, साल में एक भी काम नहीं है उनका, उसके बाद किसी और को भेज दिया। चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल बना दिए, यहाँ रेल लाइन भी बिछवा दिया, आज हम टिकट कटा के आए हैं, चकाई से टिकट कटा के चढ़े थे, उन्हीं का रेल उद्घाटन किए, जमुई से हम जमुई से आए हैं आज तक, जो अब से जाएंगे उसी से वही। अब संभव नहीं है, उस चेंज होगा फिक्स है। हम लोग पूरा युवा यूथ पूरा जितना है सब यूथ एक्टिव है और पूरा ठान लिया कि उसको देंगे नहीं, विकास को दिल्ली भेजना है किसी भी। ये वो हवा हवाई नेता है, हवा हवाई नेता है वो जो है जमुई में 10 लोगों से भी संपर्क नहीं बना पाया होगा, सिर्फ हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं, और उसका ईए पीए 1000 गो है, उससे नहीं मिल पाएगा, उसका ईए पीए 1000 गो है। क्या लगता है जमुई में क्या रहेगा इस बार? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, बीते जो काम 10 साल से किए चिराग पासवान, तो लगभग जमुई में बहुत विकसित हुआ है कुछ हद तक, और यहाँ जो जमुई की जनता उनको वोट करेंगे, चिराग पासवान पर नहीं मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे, और उम्मीद तो बहुत अच्छा है, रिस्पांस भी मिल रहा जनता का, अच्छा काम किए उस उम्मीद पर आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है जो राम को लाए हैं 500 बरस बाद हमारे राम अपने घर में आए, और उसी के तौर पर मोदी जी को वोट देना है? मोदी जी के नाम पे दीजिएगा, स्थानीय जो चिराग पासवान उनके नाम पे। हाँ ना, हाँ वो तो वोट तो पड़ना ही है, जब वो उनके लेकर खड़ी है तो उनको तो वोट पड़ना ही है, जब मोदी जी के नाम पर वो खड़ी है तो मोदी जी को वोट तो पड़ना है। क्या लगता है इस बार भी कमल खिलेगा? कमल खिलेगा इस बार भी? ठीक है लोकल कैंडिडेट हैं, लेकिन चिराग के कामों को भी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके काम का फल उनके बहनोई को मिलेगा, और जमुई की जनता भरपूर सहयोग करेगी, और वैसे भी वो तो अतिथि हैं हमारे भाई, और अतिथि देवो भवा होते हैं, तो उनको तो मिलेगा फल और जीतेंगे ही। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुरारी कुमार। किसको वोट मिलेगा यहाँ जमुई में? जी बीजेपी को वोट मिलेगा, बीजेपी सर। क्या नाम है? हमारा नाम बताइए कि इसको वोट देते हैं? जिसको जाएगा उसको दे देना है। नहीं, आप किसको दीजिएगा? मोदी जी को देना है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या लगता है जमुई में क्या होगा? जमुई में जो जनता विकास करने के लिए चाह रहा अगला वो होगा, और क्या, और हम चाहते हैं कि आगे का भविष्य चिराग पासवान जम्मू जिला का कुछ करेंगे, और बात ही अब नरेंद्र मोदी है ये, उसका सपोर्ट है तो उसको आगे जरूर है, यार क्या ये बताइए क्या इस बार जमुई में क्या रहेगा? जो विकास करेंगे उनको वोट पड़ेगा, चिराग पासवान। चिराग पासवान 10 साल में विकास हुआ है? हाँ लगता है कि 10 साल में विकास हुआ है। आपको क्या लगता है क्या बारे में जमुई में क्या रहेगा इस बार? चिराग पासवान। चिराग पासवान तो 10 साल में क्या विकास आपको दिखा है? बहुत विकास हुआ। चलिए तो ये थे जमुई में लोगों से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो विकास करेगा उसकी जीत होगी, और इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा छेड़ा तो जरूर जा रहा है, लेकिन वो कितना असर करता है ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा।